नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जय हिंद, जय हिंदी। आज हम आपके समक्ष बिहार स्पेशल करंट की सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारा हिंदी साहित्य और सामान्य हिंदी के भी अभी हमने दो दो तीन तीन वीडियो डाले हैं, वो सीरीज भी चलेगी, वो कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। पर चूंकि अभी कोई ऐसा साहित्य का एग्जाम भी नहीं है तो उसको थोड़ा स्लो ही लेके चलेंगे, पर वो कंप्लीट रहेगा। आप लोग देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और जो लोग बीपीएससी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी हिंदी करके, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम चूंकि कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि मैम ऐसा करिए कि करंट का, बिहार का करंट करवा दीजिए मैम, और बोल तो रहे पूरा ही करंट का, पर अभी संपूर्ण करंट के लिए तो हम नहीं कह सकते। अगर हो पाया तो कोशिश करूंगी कि उसका भी वीडियो बनाऊं, पर अभी हम बिहार स्पेशल करंट स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो बहुत छोटे रहेंगे, बहुत बड़े वीडियो नहीं रहेंगे, लेकिन आपको विस्तार में बताया जाएगा ताकि आप लिंक करके पढ़ सकें और पढ़ना सीख भी सकें कि कैसे करंट करना है। तो हम कुछ कुछ पॉइंट करंट के, आप इन्हें मंथ वाइज मैंने डिवाइड नहीं किया है, संपूर्ण करंट रहेगा जब तक उम्मीद है कि पेपर में आने की संभावना है। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें लगे और उनको हम निकाल के आपके समक्ष लाएंगे, और आपको थोड़ा थोड़ा करके रोज दिया जाएगा। हमारी ये सीरीज का नाम रहेगा समझ लो सीरीज, मतलब आप इसे समझ लो कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और आप इनसे तैयार भी कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपने हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं, तो कृपया हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी करें, अपने मित्रों को भी बताएं। तो हम बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स आपको बताने जा रहे हैं, तो आप इसको हमारे साथ पढ़िएगा, और आप जो भी मैगजीन या जो भी बुक से आप करंट पढ़ रहे हैं उससे आप पढ़ते रहिएगा। ये केवल और केवल बिहार का करंट है जो मैं बिहार समझ लो सीरीज में लेकर आई हूँ। बिहार स्पेशल पर मैंने जो जो ट्रेडिशनल पोर्शन है बिहार का, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, मैप के थ्रू पढ़ाया है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो प्री के लिए जो भी बीपीएससी 67वीं प्री दे रहा है या फिर जो सीडीपीओ देने वाला है उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट हमने यहाँ लिखे हैं, आप देखिएगा। पहला पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स, ये भारत सरकार का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स। इन्होंने एक प्रमाण पत्र जारी किया है पहली बार, जो कौन सा प्रमाण पत्र है, पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी का प्रमाण पत्र किसको दिया है, इन्होंने ये प्रमाण पत्र दिया है महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर, ये बिहार की एक कंपनी है, चाय कंपनी है, पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी का दर्जा दिया है, किसको दिया है, महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर को। आप कहेंगे मैम इतना बड़ा नाम पूछा जा सकता है, नाम ऑप्शन में कैसे देगा, तो एक लाइन जो लिखा रहता है उसमें एक ही प्रश्न नहीं होता है, इसको आपको प्रश्न में भी दे सकता है और उत्तर पूछ लेगा कि ये कंपनी कहाँ स्थित है, ठीक है, स्टेट वाइज भी पूछ लेगा और जिला वाइज भी पूछ सकता है। तो ये कंपनी आपकी किशनगंज में स्थित है। अब याद हमें केवल पढ़ाना नहीं है, आपको समझाना भी है और लिंक करा के याद भी करवाना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स ने इसको जारी किया प्रमाण पत्र, किसने जारी किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स ने, कहाँ की मिनिस्ट्री है ये, भारत सरकार की, क्या जारी किया है, प्रमाण पत्र जारी किया है, किसको दिया है, महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर को, किसको दिया है, महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर को, क्या नाम दिया है, पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी, ठीक है। अब हम इसे देखें कि ये कहाँ अवस्थित है, तो ये किशनगंज में अवस्थित है, किशनगंज बिहार का एक जिला है, ये बिहार के जिले किशनगंज में अवस्थित है। अब हम जब किशनगंज देखें तो इसी के साथ लिंक करके हम किशनगंज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे किशनगंज की जो सीमाएं हैं वो बंगाल से, भारत में बंगाल से, और विदेशों में बांग्लादेश और नेपाल से लगती हैं। किशनगंज की सीमा बांग्लादेश से, नेपाल से और पश्चिम बंगाल से लगती है।
किशनगंज में कछुदाह नाम की झील है। क्या, कौन सी झील है? कछुदाह। क्या नाम है? कछुदाह झील। पूछा जा सकता है कछुदाह झील कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? किशनगंज में। और ये एक प्राकृतिक झील है, कछुदाह झील जो है वो प्राकृतिक झील है जो किशनगंज में अवस्थित है। किशनगंज में दो चीजें और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एक खागरा मेला लगता है और शहीद अशफाकुल्ला खां स्टेडियम भी किशनगंज में अवस्थित है। ये चीजें जो किशनगंज से जुड़ी हुई थी, ये करंट की नहीं है, ये ट्रेडिशनल पोर्शन है दोनों। वो करंट है, ये ट्रेडिशनल है, पर हमने दोनों मिक्स करके आपको बताया। अब इसमें इसके साथ साथ हम आपको एक होमवर्क देते हैं कि आप किशनगंज को मैप पर देखिए, मैप पर इसकी अवस्थिति देखिए और देखिए कि किशनगंज के आसपास कौन कौन से जिले हैं, किशनगंज की सीमा किस किस जिले से लगती है। इस तरह से क्या होगा कि जब आप इस तरह पढ़ेंगे और मैप उठा के बिहार का जब आप देखेंगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी आपको इसी तरह पढ़ना है, साथ में आप मैप में उसकी अवस्थिति अवश्य देखें। जैसे अभी यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है, तो यूक्रेन के साथ साथ आप यूक्रेन की अवस्थिति देखें, रूस की देखें, फिर यूक्रेन और रूस के आसपास जो पर्वत हैं या कोई सागर है या कुछ उस तरह का है तो आप उसे भी अवश्य देखें। उससे क्या होता है कि करंट तो आपका तैयार होता ही है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल भूगोल है या इतिहास है या राज व्यवस्था है वो भी आपके साथ साथ तैयार होती है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आप किशनगंज को बिहार के मैप पे देखें कि वो कहाँ अवस्थित है, पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है, कहाँ है, प्लस इसके आसपास कौन कौन से जिले की सीमा लगती है। ये तो हमने राज्य की सीमा बताई, देश की सीमा और राज्य की सीमा, लेकिन आपको क्या देखना है कौन कौन से जिले की सीमा किशनगंज से लगती है। ठीक है, और अगर किशनगंज के बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स जो भारत सरकार का मंत्रालय है, उसने महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर को पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी का दर्जा दिया। ये कंपनी कहाँ अवस्थित है? किशनगंज में अवस्थित है। किशनगंज की सीमा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल से लगती है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम कछुदाह झील है और ये एक प्राकृतिक झील है। यहाँ मेला लगता है, खागरा मेला, और यहाँ पर एक स्टेडियम है जिसका नाम है शहीद अशफाकुल्ला खां स्टेडियम। यहाँ मेनली फुटबॉल और कबड्डी आदि के मैच होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एशियन रग्बी सेवन साइड चैंपियनशिप। ये प्रतियोगिता हुई थी एशियन रग्बी सेवन साइड चैंपियनशिप। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड है वो आरती कुमारी को मिला था, जो नवादा की है, नवादा जिला बिहार की है। क्या नाम है? मेरा ही नाम है आरती, ये आरती कुमारी है, मैं आरती द्विवेदी लिखती हूँ। बहुत लोग हमारा नाम पूछते हैं तो अभी आया तो बोल दिया मैंने। एशियन रग्बी सेवन साइड चैंपियनशिप, इसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला था? आरती कुमारी को। और ये आरती कुमारी कहाँ की है? नवादा की। क्या मिला था आरती कुमारी को? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसका? एशियन रग्बी सेवन साइड चैंपियनशिप का। एशियन रग्बी साइड चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? आरती कुमारी को। आरती कुमारी कहाँ की है? नवादा की। ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? उज्बेकिस्तान में। कहाँ हुई थी ये चैंपियनशिप? कहाँ हुई थी? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और ये लैंड लॉक कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश का मतलब होता है जिसके आसपास केवल धरातल भूभाग हो, जल नहीं हो, कोई सागर से इसकी सीमा नहीं लगती हो, इसकी सीमा सभी स्थलीय भाग से जुड़ती हो, उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। इसमें आपका होमवर्क है कि एशिया में उज्बेकिस्तान के अलावा और कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनको स्थल अवरुद्ध देश या लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। आपका होमवर्क है, याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान के अलावा ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन जो लैंडलॉक कंट्री हैं, जो स्थल अवरुद्ध देश हैं, उनके नाम लिखना है और उनका उनकी राजधानी लिखनी है, ये आपको तैयार करना है। नवादा के बारे में जान लेते हैं। नवादा में
दो चीजें बहुत फेमस है, ककोलत जलप्रपात है जो नवादा में है और शेख चिश्ती दरगाह है। ऐसे जलप्रपात हमने यहाँ ककोलत का नाम आया, आप यहीं पे बाकी जलप्रपात भी लिख सकते हैं जो बिहार के इम्पोर्टेंट है। ऐसे हमने जलप्रपात पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या था, एशियन रग्बी सेवन साइड चैंपियनशिप जो कहाँ है, उज्बेकिस्तान में हुआ था, इसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला, आरती कुमारी को। आरती कुमारी कहाँ की है, नवादा की। नवादा में क्या फेमस है, ककोलत जलप्रपात, और नवादा में शेख चिश्ती दरगाह भी फेमस है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, और यहाँ यह कैसी कंट्री है, ये लैंडलॉक कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है। पॉइंट ज्यादा नहीं है पर पॉइंट में प्रश्न बहुत ज्यादा बनेंगे। हमने यहाँ गिनती के लिए तो 1 2 3 4 5 केवल 5 पॉइंट लिखे हैं, पर 5 पॉइंट को विस्तार दिया है ताकि आपको जो भी आप याद करें वो भूले नहीं। एक बात हम आपसे और कह देना चाहते हैं, तैयारी के दौरान इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना ज्यादा पढ़ा, इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको कितना ज्यादा याद हुआ, कितना ज्यादा आपके उसमें है कि आप आंसर कर सकते हैं। तो बहुत अधिक पढ़ लेना उससे क्या होगा, अगर आप कंफ्यूज हैं तो रिवीजन होना, वो याद रह जाना, उनको आंसर पुटअप कर पाना, ये महत्वपूर्ण है। और पेपर में कभी भी वो गलत ना हो जो किसी का गलत नहीं है, यानी कि कठिन प्रश्न अगर आप गलत करके आते हैं तो वो समस्या नहीं है, लेकिन सरल प्रश्न जो किसी का गलत नहीं है अगर आप गलत करके आते हैं तो वो अक्षम्य अपराध है तैयारी की स्थिति में, तब आपका पास होना कठिन हो जाता है। जो सबका सही है वो आपका भी सही होना चाहिए, जो किसी का एकाध का सही है वो आपका गलत हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबका सही है और वो आपका गलत है तो आप अवश्य फेल होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जो भी पढ़े उसको पूर्णता के साथ पढ़े, कम पढ़े पर अच्छा पढ़े, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा डुगेश्वर पहाड़ी। डुगेश्वर पहाड़ी गया में है और ये इको टूरिज्म के रूप में विकसित कर रही है, बिहार सरकार ने इसे इको टूरिज्म के लिए विकसित करने की बात की है। डुगेश्वर पहाड़ी, डुगेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है, गया में। गया में क्या है, डुगेश्वर पहाड़ी है, और डुगेश्वर पहाड़ी को किसके लिए विकसित किया जा रहा है, इको टूरिज्म के लिए। इसे बिहार सरकार कर रही है, भारत सरकार नहीं, बिहार सरकार का प्रोजेक्ट है। गया में, गया से तो आप परिचित हैं, बोध गया यहीं पे है, और ये तीनों धर्म के लिए, हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे फल्गु नदी बहती है, यहाँ विष्णुपद मंदिर है, और बराबर की पहाड़ी है जिन्हें आपने इतिहास में पढ़ा होगा। इन्हीं बराबर की पहाड़ी पर एक शिव जी का मंदिर है जिसे सिद्धनाथ मंदिर कहते हैं। और भी बहुत कुछ है, वो होमवर्क है आपका, आप नवादा को भी मैप पर देखेंगे, आप गया को भी मैप पर देखेंगे, इतना आपको करना होगा अपने लिए भी या हमारे लिए समझ लो। किशनगंज को भी आपको मैप पे देखना होगा, क्योंकि हमारे पास सिंपल बोर्ड है तो हम आपको यहाँ मैप बार बार नहीं दिखा सकते हैं। अगर हम मैप उठा, मैप मेरे पास है पर मैं यहाँ मैप टांगूंगी दिखाऊंगी तो वो वीडियो में बहुत डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैंने यहाँ मैप पे नहीं दिखाया, पर आप इसे मैप पर अवश्य देखें। और मैंने जो ट्रेडिशनल वीडियो बनाए हैं वहां हमने इनकी मैप पे स्थिति भी बताई है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगी आप बिहार के मैप में इनकी अवस्थिति अवश्य देखें, इससे आपको बिहार आंखों के सामने आ जाएगा कहाँ कौन चीज है। फल्गु नदी के किनारे है गया। गया हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्म के लिए प्रसिद्ध है। विष्णुपद मंदिर है यहाँ पे जहाँ लोग पिंड दान करते हैं। कहा जाता है ये मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था, अहिल्याबाई होलकर ने। ये बराबर, यहाँ पे बराबर की पहाड़ी है जिनपे कुछ गुफाएं हैं, जैसे जो मौर्य काल में दान की गई थी आजीवकों को, बराबर की पहाड़ी पर। यहीं पे एक सिद्धनाथ मंदिर है जो शिव जी का मंदिर है। बाकी आप गया को इस मैप पर देख लीजिएगा, ये किस किस जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं वगैरह वगैरह। अगला पॉइंट है टोक्यो पैरालंपिक 2021। टोक्यो में जो पैरालंपिक हुआ था 2021, इसका स्वर्ण पदक जीता था प्रमोद भगत ने।
इसमें और लोगों ने भी जीता था, लेकिन प्रमोद भगत चूंकि बिहार के हैं, हमें बिहार की ये बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो टोक्यो पैरालंपिक 2021 में बिहार के प्रमोद भगत को स्वर्ण पदक मिला था, स्वर्ण पदक जीता था प्रमोद भगत ने, जो बिहार के हैं, किसमें, टोक्यो पैरालंपिक में। इसमें आपका होमवर्क है कि आपको टोक्यो पैरालंपिक के बारे में और नॉलेज लेनी है, चाहे तो नेट से या फिर कहीं पे दिया हो या उस समय आपने नोट किया हो जब पेपर में ही सब आ रहा था, तो आपको वहां से इसमें जोड़ लेना है और इसको पढ़ना। अभी मैं इसको मिटा के आपको थोड़ा नोट्स बनाने का तरीका भी बता दूंगी। ये नॉलेज इसके आपको टोक्यो पैरालंपिक की लेना है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता किसने, प्रमोद भगत ने, जो बिहार के थे। अगला पॉइंट है बिहार का पहला सीवीजी, सीवीजी का मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लग रहा है। बिहार का पहला सीवीजी प्लांट कहाँ लग रहा है, बक्सर में, कहाँ लग रहा है, बक्सर में। क्या लग रहा है, बिहार का पहला सीवीजी प्लांट, बायोगैस प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। बक्सर कहाँ है, गंगा नदी के तट पर है। यहाँ पे विश्वामित्र आश्रम है, कहा जाता है कि विश्वामित्र ने अपना आश्रम यही बनाया था और इसका पुराना नाम व्याघ्र घर था, व्याघ्र सर, यानी कि यहाँ पे बाघों की संख्या ज्यादा होती थी इसलिए शायद इसे व्याघ्र सर कहते थे और ये बाद में बक्सर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये भी आपका होमवर्क है कि आप बक्सर को किस पे देखेंगे, मैप पे देखेंगे, क्योंकि आप अगर लगातार मैप एक लाइन से देखते हैं, रटते हैं, तो वो आपको रट्टू टाइप से लगने लगता है। करंट में पढ़ते हुए आप एक एक जिले को सिर्फ देखेंगे तो ये आपको यूजुअल लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ने के लिए देख रहे हैं, आपको लगेगा कि आप केवल देख रहे हैं जानकारी के लिए, और वो बहुत अच्छा लगने लगता है, पसंद भी आने लगता है। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स जो भारत सरकार का मंत्रालय है, उसने पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी का दर्जा महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर को दिया जो किशनगंज में है। एशियन रग्बी सेवन साइड चैंपियनशिप जो उज्बेकिस्तान में हुई थी, इसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आरती कुमारी को मिला जो नवादा की है। अगला पॉइंट, डुगेश्वर पहाड़ी को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये गया में अवस्थित है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। बिहार का पहला सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बिहार के बक्सर जिले में अवस्थित किया जा रहा है। हमें आशा है आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज अवश्य पसंद आएगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो हम इसी तरह इसको पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे। अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे, हमें व्यू अच्छा मिलेगा, हमें लगेगा कि लोगों को अच्छा लग रहा है, तो हम इसमें जो संपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको भी इसी तरह पढ़ाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो बिहार सीरीज पढ़ा के बंद कर देंगे। अगर आप रिस्पांस ठीक नहीं देंगे तो हमें लगेगा कि आपको पसंद नहीं आ रहा, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसी आपकी इच्छा हो, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में और लाइक शेयर करके जरूर बताइएगा। बाकी हमें झेलने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।